हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टार गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी फोटो को बेस्ट लुक दे सकते हैं, बेहतर फोटो बना सकते हैं। जैसे स्टूडियो वाले आपकी फोटो में अजीब अजीब इफेक्ट डालते हैं, वैसे इफेक्ट आप अपने मोबाइल से कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस एप्लीकेशन की बात करने वाला हूँ वो कमाल का एप्लीकेशन है और इसको आप एक बार जरूर यूज़ करके देखिए और इसकी फोटो को जादुई फोटो बना के आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आपको बताते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है और वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है ECHO, और जैसे इको लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा ये इको मिरर मैजिक। तो आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख लीजिए इस पे को, और इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे फोटो में इफेक्ट डलते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा गैलरी। तो गैलरी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से अपनी गैलरी ओपन कीजिए, और यहाँ से कोई फोटो आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इस फोटो को एडिट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह का विंडो आपको सामने खुलेगा, तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर से ये थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ तक इसको रखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, ऐड ग्रुप आ गया, उसके बाद में कहीं भी आपको केवल टच करना है, ये कैंची जैसा आ गया, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब आपको अपनी अंगुली से इसमें जो फोटो है वहाँ तक इसको आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अपनी अंगुली से, देखिए इस तरीके से। चारों तरफ जो जितनी फोटो है उतनी फोटो पे ये आप अपनी अंगुली को यहाँ पे चलाना है। तो चलिए मैं इस पे फोटो पे इसको सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से आपको पूरी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको डन दिखेगा, तो डन पे आपको क्लिक करना है, और डन पे क्लिक करने के बाद में ये फोटो प्रोसेसिंग होने लग जाएगी। और फोटो होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपको अपने मोबाइल में इस तरह का लुक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखेगा बैकग्राउंड ऑप्शन, तो बैकग्राउंड पे जाना है। तो यहाँ पे आपको कई तरह के बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए तरह तरह के बैकग्राउंड हैं यहाँ पे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुंदर लगे वो बैकग्राउंड यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस बैकग्राउंड को लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों दो नंबर ऑप्शन है, वो है मिरर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मिरर में आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा मिरर आप चाहें वैसा मिरर आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ मिरर आपको दिखाता हूँ, देखिए जिस तरह का आप चाहें मिरर और रख सकते हैं। देखिए ये मिरर इस तरह का है, तो इसको आप छोटा बड़ा भी जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ऑप्शन, वो है फ्लिप का। जैसे आप फ्लिप पे क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगी, देखिए फ्लिप हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इरेज का, अगर आपको फोटो से कुछ इरेज करना है तो इरेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको फोटो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो आपको यहाँ से जो चीज़ हटानी है वो यहाँ से आप इसको इरेज कर सकते हैं। दोस्तों इरेज करने के बाद में यहाँ पे आपको वापस डन करना है, और डन करने के बाद में ये फोटो सेव हो रही है। उसके बाद में ये आपकी फोटो रेडी हो चुकी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो सेव होकर आपकी गैलरी में चली जाएगी। आप वहां से जाके आसानी से इसको ओपन करके देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।